हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा। टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जब दो या दो से अधिक वेरिएबल हो और उनमें किसी एट्रीब्यूट का मिलना पाया जाए तो उसको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कहा जाता है सामान्य भाषा में। लेकिन स्टैटिक्स में अगर वेरिएबल स्वतंत्र हों और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, अगर केसेस को हम कम केसेस में देखें, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो उसको हम कहा जाता है वहाँ पर कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स उन वेरिएबल्स में है। किन किन तरीकों का एसोसिएशन हो सकता है? सबसे पहला पॉजिटिव एसोसिएशन हो सकता है। जब दो वेरिएबल हैं तो एक में पाया जाए तो दूसरे में भी पाया जाए, या एक में ना पाया जाए तो दूसरे में भी वो एट्रीब्यूट ना पाया जाए। या फिर दो कंडीशन तो ये हो गई। अगली कंडीशन ये है कि एक में दूसरे में पाया जाए, दूसरे में वो पाया जाए और जिस मात्रा में बढ़े उसी मात्रा जिस डायरेक्शन में वो बढ़े उसी डायरेक्शन में पहला वाला भी बढ़े। सेकंड वेरिएबल मान लीजिए बी है, उसमें वो बढ़ रहा है तो ए में भी बढ़े, या लास्ट सेकंड बी वाले में वो घट रहा है एट्रीब्यूट तो पहले वाले में भी घटे, डिक्रीज हो, तो उसको हम पॉजिटिव एसोसिएशन कह सकते हैं। जैसे कि लिटरेसी एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट में अगर लिटरेसी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा देखी जाए, इलिटरेसी और क्रिमिनलिटी, इलिटरेसी बढ़ेगी तो क्रिमिनलिटी भी बढ़ जाएगी, राइट? या फिर इसको इस तरीके से लेगा कि अगर इलिटरेसी कम होगी तो क्रिमिनलिटी भी कम हो जाएगी। तो ऐसे एसोसिएशन को पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं। इसमें यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी अधिक रहेगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से, ये बात ध्यान देने वाली है। सेकेंड चीज है इसमें, सेकेंड एसोसिएशन है इसका निगेटिव एसोसिएशन। निगेटिव एसोसिएशन में क्या होता है, निगेटिव एसोसिएशन कहते हैं या डिस एसोसिएशन भी कहते हैं। इसमें ट्रेंड ऑफ बीइंग अफेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट मीन्स कि जैसा अगले एट्रीब्यूट में, अगले वेरिएबल में, अगले वेरिएबल का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो फर्स्ट वेरिएबल का अपवर्ड हो जाएगा, या सेकेंड वेरिएबल का अपवर्ड है तो फर्स्ट का डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन होंगे। इसको इस तरीके से हम एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं कि एक में प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट होगी तो दूसरे में कॉज एब्सेंस ऑफ द अदर एट्रीब्यूट होगी दूसरे वेरिएबल में। इसको एक एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि वैक्सीनेशन और अटैक ऑफ डिजीज। वैक्सीनेशन अगर होगा तो अटैक ऑफ डिजीज की मात्रा कम हो जाएगी, राइट? अपोजिट डायरेक्शन होगा इसमें, और इसमें एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो होगी वो लेस देन होगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के, इट मीन्स कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। थर्ड थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होता हैव नॉट टेंडेंसी टू बी प्रेजेंस टुगेदर, इसमें साथ रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और प्रेजेंस ऑफ वन डज नॉट कॉज एफेक्ट एब्सेंस ऑफ द अदर एट्रीब्यूट, पर एक के प्रेजेंट होने पर कोई कारण नहीं है कि दूसरा दूसरे का एब्सेंस हो। प्रेजेंस ऑफ वन डज नॉट कॉज एब्सेंस ऑफ द अदर एट्रीब्यूट, मतलब इसमें करण कारण का कोई भाव नहीं होता है। तो वहां पर जैसे कि एक उदाहरण से, जैसा भी हमने कहा हैव नॉट टेंडेंसी टू बी प्रेजेंट टुगेदर, साथ में नहीं होंगे, कोई भी करण कारण का संबंध नहीं होगा, कॉज इफेक्ट का संबंध नहीं होगा, तो ऐसी जगह पर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट कहा जाएगा। इसको इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कि 200 पीपल्स को वैक्सीनेट किया गया, दो नहीं 200 एग्जामिन किया गया, 200 पीपल्स को लिया गया, उसमें से 100 को वैक्सीन दी गई किसी डिजीज के लिए और 100 को वैक्सीन नहीं दी गई, और फिर रीड किया गया, एग्जामिन किया गया, तो 5 लोग उस डिजीज से, जिस पर्टिकुलर जिसके लिए वैक्सीनेशन किया गया था, वो डिजीज से प्रभावित मिले, डिजीज उनमें पाई गई, और 5 ऐसे मिले जो जिनको कि उन 100 लोगों में से मिले, उन 100 लोगों में से मिले जिनको कि वैक्सीन नहीं दी गई थी। मतलब कि दोनों ही की मात्रा हर एक केस में बराबर है कि 5 लोग बीमार हुए और 5 लोग बीमार नहीं हुए, जबकि 100 लोगों को वैक्सीन दी गई थी और 100 लोगों को नहीं वैक्सीन दी गई थी, दोनों में ही 5 5 लोग, 5 5 पर्सन
बीमार हुए, एक में नहीं बीमार हुए, जबकि दोनों, एक में 100 लोगों को वैक्सीन दी गई थी और दूसरे में 100 लोगों को नहीं दी गई थी। इसका मतलब दोनों ही केसों में दोनों में बराबर है, तो वहां पर उसका कोई इफेक्ट किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ना तो वैक्सीन का पड़ रहा है डिजीज के ऊपर, ना डिजीज का पड़ रहा है वैक्सीनेशन के ऊपर। इसका मतलब कि ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है। ऐसी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट में एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल होती है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।